किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को जो एक रुपया किलो चावल और गेहूं मिलता है उसे कैसे समाप्त किया जाए, उन्होंने एक कमेटी बनाई शांता कुमार। उसने क्या सुझाव दिया कि आप इनको अनाज मत दीजिए, कैश दे दीजिए। अगर कैश देंगे तो फिर अनाज मत खरीदो, जब बांटना ही नहीं है तो अनाज क्यों खरीदो, और जब बांटना नहीं है तो किसानों से क्यों खरीदो। तो ये कंट्रोल की दुकान और किसानों का एमएसपी दोनों खत्म करने का षड्यंत्र की शुरुआत है, ताकि लाखों करोड़ के लोग, बड़े बड़े लोग यहां आकर हमारा किसान और मजदूर और व्यापारी का शोषण कर सके। ये लड़ाई हमारी नहीं है, आप सबकी, हम सबकी, और सबको एक साथ होना चाहिए। रोज झूठे वादे करते हैं नरेंद्र मोदी जी। आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आज हम यहां अपने आवेदन दे रहे हैं, प्रतिवेदन दे रहे हैं, और हम मांग करते हैं कि तत्काल ये कानून वापस लो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए संसद की, सभी दल के लोग उसमें शामिल हों, सभी किसान संगठनों से चर्चा हो, और उसके बाद ही कानून संसद में लाया जाए। हम जब इस पर चर्चा करना चाहते थे तो हम लोगों को सदन से बाहर कर दिया गया, उठा उठा के बाहर फेंक दिया गया। और इसी के साथ साथ मजदूरों के खिलाफ भी नया कानून आ गया है। मजदूर हमारे हम्माल यूनियन, तुलावटी यूनियन, कर्मचारी यूनियन, सफाई कामगार यूनियन, अब आपका हक खत्म है। नए कानून में ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन भी एसडीएम साहब की मर्जी होगी, होगा नहीं तो नहीं होगा। अभी तक ये कानून था कि कोई भी अगर यूनियन रजिस्टर कराना चाहता है तो सरकार की बाध्यता थी कि वो उसे कानून में उसके रजिस्ट्रेशन करवाए, अब वो भी खत्म हो गया है। और अब अगर ऐसा चलता रहा तो अगले दो तीन साल में, अगर 2024 में मोदी जी जीत गए, तो आप मान के चलिएगा कि कंट्रोल की दुकानें भी बंद, एमएसपी भी बंद, और फिर मनमानी होगी जैसी आज वो मनमानी कर रहे हैं। कोरोना आया है उनके लिए तो ये वरदान साबित हो रहा है, हर आपदा को अवसर में बदल रहे हैं, हर मुसीबत को फायदा उठा रहे हैं। और अब अच्छी खासी संसद भवन का भी वो तोड़कर नया भवन बनाना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपए लगाकर अपने खुद के लिए हवाई जहाज खरीद रहे हैं, अपने लिए नए, अपने आर्किटेक्ट को, गुजरात का आर्किटेक्ट है जो हमारी शान है, राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, पार्लियामेंट और सेंट्रल विस्टा जनपद, इन सब को खत्म करके वो नया निर्माण कुछ करना चाहते हैं, जिसके अंदर हजारों करोड़ का वो फायदा अपने लोगों को देना चाहते हैं। इसलिए हम इनका विरोध करते हैं, और मैं हमारे पार्टी के हमारे प्रमुख हैं सज्जन वर्मा जी, कमलनाथ जी से हम अनुरोध करेंगे कि सस्ते कागज पर पैम्फलेट छपाना चाहिए, कैसे किसान और मजदूर के खिलाफ है ये काले कानून, अभी लोगों को मालूम ही नहीं। मैं तो कहता हूँ, मैंने कांग्रेस के नेता से एक से पूछा, और अच्छे पढ़े लिखे, मैंने काला कानून में क्या खिलाफ है, कैसा भी हमने छपा नहीं है। अरे पढ़ोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे। यहाँ पे हमारे मंडी कानून में है, कोई भी व्यापारी जो इनकम टैक्स पे करता है मंडी अध्यक्ष नहीं बन सकता, लेकिन बन रहे। तो ये सच में आपसे अनुरोध है कि इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी सबको करे, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। घर घर जाके हम लोग बांटेंगे, और मोदी जी याद लगा लो, कल आपको एक बार फिर मौका है, कल मान जाओ, मतलब नहीं मानोगे तो देश का किसान सड़क पे आने में, उसको खेत से सड़क पे आने में कितनी देर लगती है, 10 कदम लगवाना है,
अगर हर किसान ने तय कर लिया कि हम फला दिन देश का पूरा चक्का जाम कर लेंगे तो किसानों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं लगाता हूं थोड़ी देर तो हर किसान उस समय अपने घर से खेत से सड़क पे आ गया तो सड़क और ट्रेन और सब बंद हो जाएंगे, इस बात को समझ लो। और अब आपने जिस तरह से लोगों को बदनाम करने की नीयत से जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, ये मत भूलो कि जवानों के परिवार भी किसान ही हैं। अगर किसानों पर ठंड में ठंडी बरसात बौछार करोगे और उनको डंडे मारोगे तो उसकी पीड़ा हमारे आर्मी के जवानों पर भी होगी, हमारे पुलिस के जवानों पर भी होगी। कितना डंडा बरसाओगे बरसा लो, कितनी जेलें भरोगे भर लो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज किसान आंदोलित है और मैं सभी राजनीतिक दलों से जो इसके खिलाफ है और उनसे भी जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो किसानों के हितैषी हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि आइए सड़क पर और किसानों का साथ दीजिए। क्योंकि ये वो सरदार लोगों को जिन्होंने कि इस भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, सरदार भगत सिंह जैसे लोगों के हमारे सिख उन सबको किस प्रकार से आज खालिस्तानी कहकर बदनाम किया जा रहा है, हमारे मीडिया चैनल्स को मैं निंदा करता हूं उनकी। अभी वहां पर एक चैनल, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मौके पर गए, किसानों ने कहा कि तुम हमारे साथ अन्याय करते हो, जाओ यहां से, हम तुम्हें बाइक नहीं देंगे। अब हमको भी तय करना पड़ेगा जो चैनल किसानों की बात नहीं करेगा हम उसको भी बाइट देने से मना कर देंगे। इसलिए आप सब लोग समझ लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता।